आई नो ये फैमिली ब्लॉग चैनल है, बट ये क्वेश्चन है, सुबह मम्मी पापा के बीच में सोते फिर सुबह साइड में कैसे हो जाते? ओ भाई साहब क्रेजी भाई, ऐसा होता है क्या? ओ भाई, तो मैं आपको ये पूछना चाहूंगा, कभी टिकटॉक पे क्रिंज वीडियो बनाई है? बहुत। आपने बनाई है? आकाश के पापा मेरा बेटा है तू। ओ भाई साहब, ये कहाँ से आता है इतना? लो गोली, टिकटॉक का जमाना। पापा जी अभी जा रहे हैं मूवी देखने के लिए, जो कि मतलब कहाँ से दोस्तों के साथ मूवी देखने जा रहे हो? वाह भाई, क्या कूल लग रहे हैं यार मेरे पापा, इतने ज्यादा दिन ब दिन हीरो बनते जा रहे हो ना, एकदम हीरो लगते हैं आजकल मेरे पापा, उनकी ड्रेसिंग से लेके। हाँ हाँ सही में, आपको नहीं लगता आप हीरो लगते हो? क्यों, क्या क्या, क्योंकि क्या? आकाश के पापा मेरा बेटा है तू। भाई एक से एक काउंटर, भाई बाप बाप होता है बोलते हैं ना। आकाश के पापा हो बड़ा आ गया। आकाश के पापा हो तो शायद आकाश को देख देख के थोड़ी दीपक का बेटा है, दीपक का। दीपक हाँ हाँ, मत मैं ये बोल रहा हूँ कि आकाश को देख देख के आप भी सीख गए होंगे स्टाइलिंग वगैरह ना, ऐसा कपड़े नहीं बेटा ना, पहले ही करते थे ना? पहले नहीं करते थे हमने, सीखा पहले तो वो भी करते थे। आप सीटी भी तो मारते थे लड़कियों को, वो भी तो बताओ। वो तो नहीं करता मैं, अभी तो चांटे मारते हैं ना सीटी मारने से। अभी करेंगे तो चांटे बजेंगे ना, पापा को भी पता है। पहले के टाइम पे तो जवान बॉडी सब कुछ, वो तो लड़कियां। चल चल चल, मैं नहीं जा रहा, सॉरी। आप लोग घूम के आओ, मेरे को जाना है। 4 बजे अभी, कितना बज गया? 3 बज गए। आप लोग घूम के आओ, मेगा भी जा रही है ना आपके साथ। रेडी हो गई? ये है ना असली। कर परफ्यूम भाई, मेगा को भी शौक है, एक से एक चीजें, बिना ब्रांड के सामान को तो देखती तक भी नहीं, छुई छुई है कि नहीं पापा? हम ये 400 रुपए का ऑनलाइन मंगाते हैं, 50% डिस्काउंट हो जाए और मंगाए। मेगा तो विदाउट ब्रांड सामान कोई देखती भी नहीं है उसको। ऐसा कुछ नहीं है भाई, बहुत पसंद है इसको ब्रांड वगैरह। लिपस्टिक भी नहीं पसंद, इसे लिप बाम लगाती है बस। वरना तो कोई कोई होती है ना कि मेगा की मेगा एज हो गई। मेगा तेरी एज कितनी है? सॉरी मेरे को याद नहीं। 20 ना, 20 है बस, इतना भी मत सोच। चुप। हाँ। 2 साल बड़ी है मुझसे तू। हाँ 20 की है, तो भाई 20 की एज में मैंने पे अपने गांव की लड़कियों में से देखा था कि भाई फुल एकदम 18 की उम्र में ही लिपस्टिक हो जाता है। बट मेगा को ये सब चीजें नहीं पसंद, मेगा ने तो पहले ही बोल दिया था। वो भी बरसा दीदी की शादी में तब लगाया था जब इसको फोर्स किया था। बरसा दीदी की शादी में भी तूने लिपस्टिक लगाया था कि लिप बाम लगाया था? लिपस्टिक लगाया, न्यूड वाला जो होता है ना वो लिपस्टिक लगाया था उसने, वो भी फोर्स करने पे। वरना मजा ले, ये तो रेडी होने के लिए भी तैयार नहीं थी। फिर बाद में घर पे जब बोला ना कि भाई तेरी दीदी की शादी है वर्षा दीदी की, तब उसके बाद रेडी हुई है। हाँ अपनी दीदी की शादी में कौन रेडी नहीं होता भाई, कौन रेडी नहीं होता। बट तू कहाँ मेकअप करने से रही, वो बता रहा हूँ कि मेकअप भी इसको ऐसा बोल के बोला कि मेकअप कर लियो, वरना तेरे को नहीं पसंद था भाई मेकअप, ये बता रहा हूँ मैं। सो यहाँ पर हमारी बिल्लो रानी रेडी हो चुकी है, चाबी लगा दिया है, ईयरफोन मतलब क्या ही बताऊँ मैं। बीच रस्ते में इतना ज्यादा बोर हो जाता हूँ ना चलाते, फिर उसके बाद फिर मेरे को ऐसा लगता है कि गाना सुनना चाहिए। जब गाना सुनता हूँ ना उसका फिर ड्राइविंग का फील मतलब अलग ही आता है, एकदम बेबी की तरह मेरा फेस जो है वो पूरा पैक हो चुका है। एंड वही क्या अभी निकल ते है उत्तरी भाई साहब, ऑल ऑफ सडन भाई सांप पता नहीं कहाँ से आ गए, मेरी तो फट गई कसम से भाई। अगर मेरी नजर नहीं लगी रहती और वो मेरे बगल में आ जाता तो मुझे काट देता ना, फिर आज मैं सपेरा बन के घूम रहा होता। फाइनली हम पहुंच चुके हैं, जो हमारा ग्रुप है जोई मी एंड हार्दिक भाई, उसके साथ एक और लड़की ने जो है ज्वाइन किया हमारे साथ, वो कौन है? वन एंड ओनली आशिका भाटिया इन द हाउस। लाइक हमारा कब से प्लान था, ये वापस से कहीं तो चले गए थे। आप कहाँ गए थे वापस से? अहमदाबाद मैडम वापस से चली गई थी, तो फिर मैम ने बोला कि जैसे मैं आऊंगी तब उसके बाद वापस मिल लेंगे। आपकी वजह से हम लेट हो गए पता है। और किसने बोला 6 बजे बंद होता, 12 बजे बंद होता, बहुत मारूंगी पकड़ पकड़ के सबको। मतलब हमने ये हमारी स्ट्रेटेजी थी ताकि आप थोड़ा जल्दी आ जाओ। ये तारीफ मैं लाइव सुनना चाहता हूँ। थैंक यू गाइस, आप आगे बैठ जाओ। ये पहली लड़की होगी, ये मेरा सीट है पता, इधर बुक होता है मेरा। पहली बार ऐसा हुआ है कि भाई आकाश के सीट पे कोई और बैठा है। ये हार्दिक भाई की वजह से इन्होंने बोला कि मैं बैठूंगा आगे, मैंने बोला मत बैठना। आशिका ने बोला फिर मैं ही बैठ जाती हूँ। ये आपने सीट छिनवा दिया मेरा भाई, लव यू। गो कार्टिंग करने के लिए ना वहाँ पर टाइमिंग रहता है कि 6 बजे के बाद या 7 बजे के बाद वहाँ पर बंद हो जाता है, पर यहाँ पर ये आप एक बार ट्रैफिक दिखाना जा रहा है भाई साहब, लाल ही लाल। और कितना टाइम दिखा रहा है, 43 मिनट्स, और निकले हुए ऑलरेडी 41 मिनट्स से। कितना अभी कितने बज रहे हैं? 5:41 हो चुके हैं भाई साहब। ऐसा लग रहा है कि भाई नहीं हो पाएगा ऐसा। पहले तो ऐसा था कि हार्दिक भाई की वजह से, क्योंकि इनका इंस्टीट्यूट था तो उसकी वजह से हम जा नहीं पा रहे थे, बट इस बार आशिका की वजह से हम लेट हो गए भाई। हाँ आपकी वजह से आपको पीछे वापिस आ गए हम। एक तो भाई
भाई हमें यहाँ पर लोगों पे ट्रस्ट नहीं होता, हम गूगल पे ट्रस्ट करते, पर गूगल ने भी गलत बता दिया भाई। ये सब जितने भी लोग है ना यहाँ पर ट्रैफिक में फंसे हुए, ये सब गूगल वाले, गूगल मैप में आके ना सब एक ही जगह से उल्टा है घूम के। इनफैक्ट क्या हुआ, मैंने 2 घंटे पहले कॉल किया तब क्यों नहीं उठाया, तब मैं ड्राइव कर रहा था यार, तब मैं एक्टिवा चला रहा था, सीन पे छोड़ता है तुम्हें। नहीं नहीं सीन पे नहीं, कहीं नहीं कुछ भी। अरे यार ऐसा मत बोलो, देख लो आकाश में सच्ची में मैं लाइव एक्सपोज होने वाला हूँ क्या? अरे नहीं यार ऐसा नहीं, मैंने इनको नंबर क्यों दिया है फोन करके बोलने के लिए, मतलब ये देखो देखो अगर ये कह रहा है कि कॉल कर दो लेकिन जब सीन पे छोड़ा तब रिप्लाई नहीं कर सकता। हंसी का बच्चा है यार, वो काम भी हो सकता है, उसको तुम कैसे रिएक्ट कर रही हो? अभी मेरी साइड ले रहे थे, अभी उसकी ले रहे थे सच। अरे नहीं बेसिकली इनको अगर मैंने जिसको भी नंबर देता हूँ ना तो एटलीस्ट फोन करके बोले ना, नंबर क्यों दिया है मैंने, इसीलिए मैसेज कर रहे हो यार, मैसेज मैं नहीं देखता। बट कोई नहीं यार, अभी तो आप हमारी आंखों के सामने हो, बट जो भी है टॉपिक नहीं चेंज होने वाला, आपकी वजह से हम लेट हो गए। सोचा होगा कि बाद में रिप्लाई कर दूंगा, हो जाता है। पहले तो साइड ले लिया आपने उनका, अभी मेरे साइड लेके, ताकि ना दोनों में बना रहे, दोस्ती किसी के साथ नहीं तोड़नी, बस ताकि मतलब बोल देता हूँ दोनों को, बट बाद में दोनों को ही समझा देता हूँ, वैसा वाला है। वेरी नाइस भाई, जो ही निकाल दो अब तो, तेज उड़ा दो भाई अब तो तेज। इसमें फ्लाइंग मोड नहीं है क्या, हेलीकॉप्टर बन जाए कुछ? और कौन बोल रहा था अभी थोड़ी देर पहले कि ये तो बच्चा है, रहने दो आशिका, खुद की बातें देखो, खुद की बातें देखो, फ्लाइंग मोड है, फ्लाइंग मोड बच्चों के साथ बच्चा। अगर यही चीज तू बार देता तो तेरी ऑडियंस बोलती हाँ क्या जोक मारा है। मेरी ऑडियंस है ही प्यारी है यार, कैसी बातें कर रहे हो? चलो कोई नहीं, मैं वैसे जोक बोलता नहीं, इसमें लाइक हेलीकॉप्टर मोड है। देखो अब तो तुम लोग भी हंसे यार, अब ऑडियंस भी नहीं हंसेगी मेरी। तो गाइस फाइनली हम पहुंच चुके हैं, कसम से 2 घंटे का ट्रैवल, मतलब 1 घंटे का ही ट्रैवल था बट 2 घंटे लगे बिकॉज ऑफ ट्रैफिक। भाई साहब अभी दर्द हो रहा होगा, बम दर्द हो रहा है, बम डिगी डिगी बम। आशिका ना हो अभी, आप एक्साइटेड हो? नहीं। क्यों? मुझे गो-कार्टिंग नहीं आती। इनको गो कार्टिंग नहीं आती, इनको करना भी नहीं है। मुझे भी नहीं आती बट मैं कर मतलब चूल्हे करूंगा जरूर। मुझे भी कौन सा आती है, तो करेंगे जरूर ना, बट उनको भी नहीं आती तो भी नहीं करनी, वो करना तो पड़ेगा आपको यार भाई, इतनी दूर से आए हैं भाई, करना एक बार तो होगा ही। भाई साहब ये क्या देखो भाई, वो है ये मच्छर भगाने को, हट जाओ पीछे, हट जाओ, मर जाओगे आप, पीछे हो जाओ। हाय हाय वाह, शॉट का दिखा रहे, शॉट का दिखा रहे, बॉलिंग वाला स्मैश का चाहिए ब्रो, स्मैश का कार्ड है गाड़ी में, स्मैश का दो ना जल्दी, स्मैश का ढूंढने देना यार, लाए ही नहीं भाई, जल्दी दो ना यार, लेट हो रहा है आपकी वजह से, बहुत मार खाएगा तू, जल्दी लेट हो रहा है यार, जल्दी करो, वैसे ट्रैफिक में फंस गए थे हम, जल्दी दो। नहीं यार तो मैंने फेंक दिया शायद से, बस बंद ना हो भाई यार। सर गो कार्टिंग बंद तो नहीं हुआ ना? नहीं बंद नहीं हुआ, शुक्र भाई, अभी चलाएंगे। ब्रुम ब्रुम मास्क उतार लो ना यार, आप ही हो सेलिब्रिटी। ओ भाई साहब क्रेजी भाई, ऐसा होता है क्या? ओ भाई बड़ी क्रेजी जगह लेके आए हो आप यार, भाई मजा आ गया। तो इसमें बेसिकली ऐसा है कि अगर आपने हल्का सा भी किसी को ओवरटेक करने की कोशिश की या फिर मतलब ऐसा ठोकने की कोशिश, ठोक नहीं सकते तुमको, तुम्हारी मशीन बंद कर देते, एकदम से मशीन बंद कर देते भाई। ये भी सही है सीन है भाई, अपना खेलो, सिर्फ इसमें एक है कि रेस करना है। इससे मेरे को ये तो पता चल गया कि दैट मैं जो है इससे गाड़ी ऑलमोस्ट कार चलाना तो सीख ही जाऊंगा। नहीं अलग होता है, जमीन आसमान का फर्क है, कोई नहीं, आगे आने वाले टाइम पे सीख जाऊंगा भाई। बट फिर ऐसा है कि स्टीयरिंग तो समझ जाऊंगा ना, मैं स्टीयरिंग समझ जाऊंगा। फाइनली हमारी टाइम आ चुकी है भाई, अभी ओ बाल खराब ना हो जाए ना आपके, या फिर जुए अगर जो आपके बाल में वो चिपक जाएंगे, वो तो बाहर निकले बैठी हुई है ना, ब्लॉग बना रही है। छी 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 गंदा था ये, कहीं का सही नहीं। तो यहाँ पर फुल नहाने के लिए रेडी हो चुके हैं हम, अभी जाएंगे स्पा कराएंगे भाई, स्पा कराएंगे, स्पा चीज आप जो ही दिखाओ, जो ही जो ही कॉमेडी ले। ये साइन भी इन लोगों ने इसीलिए कराया ताकि अगर हम मर गए तो हमारी जिम्मेवारी नहीं है, और हम इतने ज्यादा चूल्हे की करेंगे तभी भी। ये देखो आयरन मैन, ये वो है उबला हुआ आयरन मैन। भाई साहब इतना मजा आ गया, आई स्वेयर मैं बता रहा हूँ, आज का दिन पूरा जो है ना बन गया, मतलब 2 घंटे ट्रैवल करना यहाँ तक पूरा वर्थ इट था ब्रो। कैसा लगा? इनको तो क्या ही पूछूं भाई, इनकी पूरे वो उसमें ना ड्राइव में तभी भाई फुल जोई तो कार चला के आई है, बट फिर इनके पूरे उसमें ना सिर्फ एक ही आवाज आ रही थी, स्टॉप इट, बस करो, खत्म करो, लगी 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 लगी, एक तो ऐसे आई, लगी लगी लगी,
ही करके मैंने बोला भाई मजा आ गया, बट जो भी था एक्सपीरियंस अच्छा था यार, नाइस। गो कार्टिंग वगैरह कर लिया, यहाँ पर बगल में ही आईकिया है, मैं लाइफ में कभी आईकिया गया नहीं हूँ, तो आईकिया जाएंगे पहले, बट उससे पहले हम जाएंगे स्टारबक्स बिकॉज हमने कुछ खाया नहीं अभी तक लाइफ में ना यार। फेमस तो क्या यूट्यूब में भी हुआ हूँ, इंस्टाग्राम पे भी हुआ हूँ, बट कभी ना टिकटॉक में नहीं हुआ। टिकटॉक के जो महान हस्तियां हैं ये यहाँ दोनों बैठे हैं, तो मैं आपको ये पूछना चाहूंगा कभी टिकटॉक पे क्रिंज वीडियो बनाई है? आपने बनाई है? बनाई नहीं, गोलियां चलाई है। अच्छा गोलियां नहीं चलाई हमने, चलाई गोलियां, मैंने गोली चलाई, मैं अंधी बनी हूँ। पहले तो ऐसा लगता था ये सब वीडियोस वगैरह, ये सब वीडियोस इतनी कूल होती थी भाई, इससे लाइक्स और आते भी थे, इनफैक्ट आते थे तो और करने का मन करता था। मिलियन गई है एक वीडियो, वो भी लाइक्स व्यूज नहीं। मेरी जान भाई, अभी भी है कुछ कुछ क्रिंज वीडियोस जो चल रही है, बट इट्स ओके, इट्स फाइन, सबका टाइम आएगा। हिम्मत जुटानी है जवान, whatever, मतलब एक YouTube वीडियो बनाना चाहिए, I'm recreating, sorry, I am reacting to my cringe videos. मत करना प्लीज, खुद को खुद से नफरत हो जाएगी। मैं तो ब्लॉक करूंगा आज लोगों को। बस यही तो रिएक्शन देने हैं, ये रिएक्शन देने, रिएक्शन ये एक्शन है, ब्लॉक होना। भाई पहले की वीडियोस तो ऐसी लगती थी सब बढ़िया कर रहे हैं हम ही, मतलब हम ही है समझदार इंडिया में। चलो जी भाई आई क्या, ओए होए 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 होए, इतना सुंदर भाई। और जो ही बोलते हैं यहाँ पर सस्ते भी मिलते हैं भाई, नाइस यार, सब टूल वगैरह भाई 600 में भाई, आई थिंक सो, ये ज्यादा है। ओ भाई यार मैं बता रहा हूँ, मैं घर लूंगा ना अपना जब मुंबई में पहली बार, कसम से मैं बता रहा हूँ यहीं से ही लेना है मैंने भाई। अरे यार मत करो ना, ये क्या क्या कर रहे हो, ये क्या बदतमीजी हो रही है, इतना गुदगुदा है भाई ये तो, इतना छोटा बेड, ये तो फॉरेन में देखा है भाई, फॉरेन में ही होते हैं ऐसे बच्चों के लिए ना, जो 6 साल के हो जाते हैं उनको, उनके लिए अलग बेड हो जाता है। हाँ। इंडिया में नहीं होता भाई, मम्मी पापा के बीच में सुलाते हैं और फिर पता नहीं सुबह साइड में हो जाते हैं। के साथ हुआ है कभी ऐसी ट्रेजेडी? आई नो ये फैमिली ब्लॉग चैनल है, बट ये क्वेश्चन है, सुबह मम्मी पापा के बीच में सोते हैं फिर सुबह साइड में कैसे हो जाते हैं? मैं तो सोचता नहीं भाई, मैं तो ऐसी, मैं बस मेरे क्वेश्चन आया, गाँव के लौंडे होते ही ऐसे हैं भाई। इनको लेना नहीं होता, बट भाई मजे पूरे लेने, भले खरीदना ना हो। अरे यार आपको ये ब्रश कहाँ से मिल गया, टूथब्रश? ये टूथब्रश कहाँ से मिल गया आपको? पहले लगा था सिर्फ हार्दिक भाई और मैं ही है हैशटैग गांव के बॉयज, बट यहाँ पर देखो जब अच्छी अच्छी चीजें मिल जाती है ना, ये क्या बनाया अपने, अच्छा गोली भी, अच्छा ओ ये टिकटॉक का जमाना, ये जहाँ पर गोलियां मारते थे ये लोग, टिकटॉक का जमाना बड़ा ढीला हो गया ये तो। सब आईकिया शॉपिंग करने आते हैं, हम क्या करने आते हैं, हैशटैग गांव के लोग। सबसे ज्यादा शॉपिंग आशिका ने किया है भाई, इतना ज्यादा क्यों लिया ये? बस तभी तभी यार, पता है फिर आईकिया वालों को ना 2 मिनट नहीं लगेंगे धक्के मार के निकालने में। तभी नहीं लेके आता मैंने, कहाँ है कहाँ, ये रह ये रह ये रह ये रह भाई, मेरा चश्मा अभी बच गया। हमने एग्जिट कर दिया था, फिर उसके बाद याद आया कि शिट मेरा चश्मा कहाँ पर है, फिर मेरे को पता चला अरे यहाँ पर गिर गया था एक बार, क्योंकि मैं कूदा था ना तब, उसके बाद निकल गया था भाई, बच गया। सो गाइस फाइनली घर पे आ चुके हैं, एंड आज का ब्लॉग इतना ही रखते हैं, होप करता हूं कि आपको ये ब्लॉग पसंद आया, अगर पसंद आया तो आपको पता क्या करने का, लाइक शेयर एंड पता है आप लोग को, बाय बाय, लव यू, बहुत प्यारे हो यार आप लोग, आई स्वेयर मैं बता रहा हूँ, मेरी यूट्यूब की पब्लिक, आप लोग भूल जाओगे मुझे बट मैं नहीं भूल पाऊंगा कसम से, आई नो आप लोग भी नहीं भूलोगे मुझे, होप सो। नहीं 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 करोगे आकाश, एक कुछ भी बोलता है, चलो बाय बाय।